हेलो गाइस, आज फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन कंपटीशन पॉइंट में। और आज सिंप्लीफिकेशन की मैंने थर्ड वीडियो बनाई है। स्क्वायर रूट के थोड़ा लेवल हाई लेवल के क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपके एसएससी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सिंप्लीफिकेशन से पूछे जाते हैं, मैं सारे की सीरीज आपके यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। रोज रोज मुझसे कनेक्ट रहिएगा, डेली में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में मिल सकते हैं। वीडियो अंत तक देखना और पसंद आए तो लाइक जरूर करना दोस्तों। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर बिना टाइम वेस्ट करें। दोस्तों यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, पार्ट थ्री वीडियो है। इस बार हमारा वीडियो का लेवल थोड़ा हाई हो गया है। क्वेश्चंस मैंने जो लिए हैं थोड़े हाई लेवल के लिए हैं। दोस्तों इस बार 32 + 2 = 35 + 2 स्क्वायर रूट में, 35 + 2 स्क्वायर रूट में, अगेन 35 + 2 स्क्वायर रूट में, और इनफाइनाइट तक ये हमारी टर्म जा रही है। तो इसे सिंपल सोल्व कैसे करेंगे दोस्तों? ट्रिक तो ऐसे ही बताऊंगा, आप 2 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं, सिर्फ 2 सेकंड में। पहले कंसेप्ट बता देता हूँ, कंसेप्ट आना जरूरी है क्वेश्चन का। तो इसे कंसेप्ट में हम करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू 35 + 2, अगेन 35 और ये इनफिनिट तक जा रही है। तो क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू एक टर्म को हमने उठाया 35 + 2, ये क्या है, एक्स ही तो है, इनफिनिट तो जा रही है, मतलब पॉइंट के आगे बहुत छोटी सी वैल्यू आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 1.111111, एक वन पीछे खड़ा तो क्या फर्क पड़ रहा है, 2.222222 लास्ट का कोई 2 है उसका 2 हटा दे, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये x हुई, हमने एक टर्म उठाई और बाकी भी x है, तो x हमने यहां पे लिख लिया 2 के आगे। अब इसमें करते क्या है, आपको पता है स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायर उठाने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं दोस्तों। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग करते ही होगा हमारा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में नीचे। तो एक्स का स्क्वायर हो गया, इधर भी मैंने इसमें स्क्वायरिंग कर दी, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर चढ़ा दिया है। इधर स्क्वायर को खोलेंगे तो हो गया एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे ही चलेगा। अब हमें पता है इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, क्योंकि इसीलिए तो हमने स्क्वायरिंग करी है, जिससे इस स्क्वायर से रूट कट जाए। क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी चीज की मल्टीप्लाई उसी के स्क्वायर रूट से करते हैं तो ये स्क्वायर रूट कट जाता है। डबल टर्म की जो मल्टीप्लाई, क्या क्या आता है बाहर निकल के 35। इसी तरह यहां पे भी क्या आएगा, जब यहां से ये स्क्वायरिंग से ये रूट कटेगा तो यहां पे भी 35 बाहर आया और प्लस 2x भी बाहर आया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर इधर लाने पर माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू से इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इसको इधर लेके गए, ये भी माइनस में 35, सारी चीजें इधर आ गई, तो इधर क्या बचा, 0, इधर कुछ नहीं बचा, सारी चीजें इधर आ गई हैं। अब इसके फैक्टर करने हमें, प्लस करने में ये आए प्लस, ये माइनस करने पे ये आए, दोनों टर्म के फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए। तो कैसे करेंगे, 35 पे फैक्टर करो, 7 × 5, 2 का डिफरेंस आ रहा है, 7 × 5 आ रहा है, 2 का डिफरेंस, 7 × 5 = 35 और 7 में से 5 गए तो 2, तो 7 बड़ी वाली टर्म हमें माइनस में रखनी है, छोटी वाली प्लस में, क्यों, माइनस 7 में प्लस के 5 जोड़ेंगे। नंबर लाइन हमने पढ़ी होगी, आपको याद होगा नंबर लाइन एक होती है बीच में 0 होता है, जिसपे उल्टे चलोगे माइनस में आएंगे, 4 − 5 − 6 − 7। अब ये क्या कह रहा है, माइनस का 7 हमने हमारा यहां पे है, इसमें प्लस के 5 चलेंगे, प्लस के 5 किधर को चलेंगे, क्योंकि प्लस वाली साइड ये है, 1 2 3 4, ऐसी तो चलती है नंबर लाइन हमारी। नंबर लाइन का कांसेप्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा समझा दूंगा। तो अब माइनस 7 में अगर हम प्लस के 5 करेंगे तो किधर को चलेगी, प्लस की साइड को। अब चलो 1 2 3 4 5, माइनस का 2 ही तो आएगा, यही तो हमें चाहिए, माइनस का 2 आ जाएगा, नंबर लाइन का कांसेप्ट है तो हमारा दोस्तों। अब इसके फैक्टर हो गए -7 + 5, इसको यहां पे हम लिखेंगे इस तरह, एक्स स्क्वायर -7x + 5x − 35 = 0। अब कैसे काम करेगा, -7 में +5 − 2 और 7 × 5 = 35, -++ करेक्ट है, एक्स यहां से कॉमन लेंगे इन दोनों में से, इसका एक एक्स बाहर निकल गया तो यहां पे क्या बचा, एक्स, यहां से भी एक्स निकालेंगे तो माइनस और इसका एक्स बाहर चला गया तो 7। फिर ये वाली टर्म सेम इधर भी बनानी है तो क्या करेंगे, यहां से +5 कॉमन लिया
प्लस फाइव कॉमन लेंगे और इसके बाद यहाँ पे बचा एक्स और इसका फाइव बाहर चला गया तो कितना बचेगा यहाँ पे सेवन, क्योंकि सेवन फाइव जा 35 माइनस बीच में है ही ऑलरेडी, दोनों टर्म हमारी सेम बन गई। अब ये दोनों दोनों में फिर से कॉमन आ रही है, इसकी x माइनस फाइव को सेवन कॉमन लेंगे, इधर क्या बचा x माइनस सेवन चला गया तो x बचा इधर वाले का, इस वाले का भी x माइनस चला गया तो प्लस का फाइव यहाँ पे बचा। अब इक्वल टू में हमारा जीरो है, इसे करते कैसे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता ही होगी, इसको उधर लेके जाएंगे तो x बराबर सात आ जाएगा, इस वाली को भी उधर लेके जाएंगे, दोनों को इक्वल में जीरो मान के तो ये x बराबर माइनस पांच आ जाएगा। आंसर कौन सा होगा, अब आपको पता है x बराबर सात हमारा आंसर आएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब ये तो था इसका कंसेप्ट, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बता दो इसकी ट्रिक, आपसे बिना पेन उठाए दो सेकंड में इसका आंसर देंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको ये दोबारा से समझना है, नहीं तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब कराऊंगा तब भी इसे पूरा खोल के आपको ओपनली पूरा समझा दूंगा। देखिए दोस्तों मैं इसकी ट्रिक बताने जा रहा हूं, आपको पता चली गया है सेवन हमारा आंसर आना है। अब देखो दोस्तों यहां करते क्या है, इसके डायरेक्ट फैक्टर कर लेते हैं, क्या ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस दो आए। अब आप बोलेंगे लास्ट वाली वीडियो में तो आपने बताया था एक डिफरेंस लेना है, अरे भाई लास्ट वाली में मैंने आपको क्या बताया था, इस तरह से हम टर्म लेते थे जो इनफाइनाइट तक जाती थी, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी डिजिट चलती थी, यहां पे जिसके बाहर कुछ नहीं होता वो वन ही तो होता है, इसलिए मैं डिफरेंस वन ले रहा था, यहां पे भी कुछ नहीं होता तो वन ही तो होता है, अब की बार यहां पे दो है तो इसलिए मैं दो का डिफरेंस लूंगा, पहले मैं वन का ले रहा था, वन का ऐसे ही तो लेता था चार और पांच, चार पांच बीस दोनों में डिफरेंस, ये वाला मैच यहां पे कर गया एक, इस बार मुझे इसके डिफरेंस इस तरह करना है जिससे ये दो वाला भी कवर हो जाए, तो कैसे करेंगे सेवन फाइव फाइव इंटू सेवन तो सात पंजे पैंतीस और सात में से पांच के मतलब दोनों का डिफरेंस कितना दो का, तो ये वैल्यू यहां पे कवर हो गई। ठीक है अब प्लस की डिजिट चल रही है तो प्लस वाला आंसर बिल्कुल वही पहले वाली ट्रिक, बस डिफरेंस के लिए याद रखना है हमें, प्लस वाली वैल्यू चल रही है तो बिना उठाए पेन को आपको देखते ही पता चल जाएगा, क्वेश्चन आपने देखा 35 प्लस 2 चल रही है, प्लस 2 चल रही है तो हमें दो का डिफरेंस रखना है, फैक्टर कर लो सात पंजे पैंतीस सीधा आपको पता चल गया सात आंसर आ जाएगा बड़ी वाली डिजिट। अगर एक और क्वेश्चन लूं इसी में एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, कंटिन्यू रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, दोस्तों को जोड़िए, मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग यहां पे जुड़ते जा रहे हैं मेरे साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं दोस्तों, मेरे पास एक और क्वेश्चन है, इस बार यहां पे डिजिट बदल गई है 63 प्लस 2 चलिए दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी मैंने आपको बताया था प्लस टू की टर्म चल रही है, फैक्टर इस तरह करो कि दो का डिफरेंस आ जाए, कैसे करेंगे इनके फैक्टर करेंगे 63 के फैक्टर करो सात नौ सत्तर तिरसठ सेवन नाइन 63 और डिफरेंस दो का हो गया फैक्टर, प्लस की टर्म है तो प्लस वाला आंसर दे दो अपना बड़ी वाली टर्म का नाइन आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल ही तो है, वही वाली टर्म है जो मैंने आपको लास्ट बार बताया था, बिल्कुल सेम उसी की तरह है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, जो आपने मेरी फर्स्ट वाली वीडियो देखी होगी सिंप्लीफिकेशन की, सात और नौ जो बड़ी वैल्यू है प्लस वाली में टर्म में आपका वो आंसर आ जाएगी। आपको याद होगा मैंने आपको ये इस तरह के क्वेश्चन कराए थे एक वीडियो में जिसमें मैंने आपको बताया था 12 प्लस स्क्वायर रूट में 12 प्लस स्क्वायर रूट में 12 ये टर्म कोई हमारी इनफाइनाइट तक जाती थी तो हम क्या करते थे इसके फैक्टर करते थे, लेकिन डिफरेंस एक का क्यों रखते थे क्योंकि यहाँ पे एक ही तो होता है जिसके आगे कुछ नहीं होता, एक की हम किसी से भी गुणा कर लें, एक की गुणा हम 100 में कर लें 100 ही रहेगा हमारे, अगर हमारे पास 100 है उसमें कितनी भी बार हम एक की गुणा करते चले जाओ कितनी भी बार हर बार 100 ही रहेगा, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। सेम यहाँ पे 12 में अगर हम एक की गुणा मान लेंगे, एक की गुणा ही तो है यहाँ पे, तो वही है यहाँ पे भी इसका डिफरेंस है 3, 4, 3 से 12 और दोनों का डिफरेंस है ये यहाँ पे कर रहा है 7, 9 से 63 और दोनों का डिफरेंस 2 ये यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है, सेम वही तरीका हमारे यहाँ पे लग रहा है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं थर्ड दोस्तों, नोट डाउन करते रहिएगा साथ साथ कॉपी पेन के साथ, मैं उठाता हूं अपना क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस बार टर्म बदल गई है 48 हो गया है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए, देखते ही मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले आंसर आ जाना चाहिए, इतना बड़ा कोई काम नहीं है, मैं बिल्कुल कॉपी लाइक क्वेश्चन है सेम बिल्कुल पहले वाला, कॉपी मारना है कुछ नहीं करना, तो ऑप्शन इस बार मैं चेंज कर देता हूँ इनके,
चार ऑप्शन है आपके पास, इसमें से मुझे बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आना है। दोस्तों मैं देख रहा हूं कुछ लोग आंसर दे रहे हैं पांच, तो पांच तो किसी भी हालत में आंसर नहीं आने वाला, पांच कैसे आएगा आप मुझे बताइए, हम इसके फैक्टर कैसे करेंगे हम। चलिए और दीजिए, मैं देख रहा हूं देख रहा हूं, चलिए आठ, हाँ सही है बिल्कुल, आठ आंसर आया है निखिल का, आठ आंसर आया है यहाँ पे निखिल गाजियाबाद से आठ आंसर आया है। देखिए दोस्तों आठ कैसे आया है, इसके फैक्टर करें इन्होंने सिक्स मल्टीप्लाई एट, ऐसे तो करेंगे, अगर यहाँ पे 49 होता तो क्या करते, 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का, तो सीधा 7 ही तो आ जाता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 48 है, हम इसके फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं, कैसे करेंगे 6 और 8, 6 8 का 48 किस लिए करें, क्योंकि दो का डिफरेंस भी तो लाना है, 6 8 का 48 और प्लस की टर्म चल रही थी, तो निखिल जी ने सीधा आंसर अपना 8 बता दिया मुझे, बिल्कुल ठीक है। चलो अब की बार माइनस वाला एक आंसर उठा लेते हैं, अगर ये टर्म माइनस में होती, चलिए निखिल जी ये थर्ड क्वेश्चन था हमारा, अब फोर्थ पे आते हैं, निखिल जी फिर से दीजिए आप अपना आंसर, और सब बच्चे भी अपना आंसर दें, ऑप्शन यही है आपके, कोई बड़ा चेंज नहीं है आपके सामने, तो मैंने फैक्टर तक भी लिख रखे थे, अभी कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे माइनस भी है, माइनस वाली टर्म हमारी चल रही है, तो बताइए मुझे जल्दी से क्या आंसर आ रहा है, बताइए बताइए बताइए, पकड़ लिया बच्चों ने पकड़ लिया, छह आंसर बता रहे हैं, तो देखो वो समझ गया, अभी मैंने यहाँ पे फैक्टर लिखे हुए थे, उन्होंने उसी फैक्टर का डायरेक्ट आंसर दे दिया है, तो सिक्स और एट मैंने दो फैक्टर लिखे थे, बताया था अगर प्लस चल रहा है तो बड़ी वाली वैल्यू, माइनस चल रहा है तो छोटी वाली वैल्यू, तो छोटी वाली वैल्यू का इन्होंने आंसर दे दिया इस बार, वेरी गुड बहुत अच्छा है। चलो लेते हैं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो दोस्तों आते हैं फिर से तैयार हो जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इस बार मैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा चेंज कर देता हूं, इसमें क्वेश्चन लिखे हुए मेरे, तो क्वेश्चन का लेवल इस बार मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, दोस्तों क्वेश्चन ले लेते हैं, अभी मैंने एक क्वेश्चन लिया था यही वाला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, अगर क्वेश्चन को थोड़ा इस तरह पूछ ले, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन का मैं लेवल थोड़ा चेंज कर देता हूं, अगर ये हमारा x दिया गया है, ठीक है दोस्तों अगर ये हमारा x दिया गया है तो हमें करना क्या है, हमें करना है और ये हमारा y दे दिया गया है, अगर ये वाली टर्म हमारी दे दी जाए ये प्लस में चल रही है एक माइनस में चल रही है, ऑप्शन आपके सामने दे रहा हूं निकालना क्या है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन बताता हूं इसमें करना क्या है, क्वेश्चन में हमसे करवा रहा है x अपॉन y निकालो, बहुत सिंपल है देखने में लग रहा है इतना बड़ा, आप देखते ही आंसर दे देंगे, x अपॉन y निकालो, कैसे निकालोगे x अपॉन y निकालना है, ऑप्शन में देता हूं आपको, ऑप्शन में देता हूं आपको 6/8, आप जानते हैं 6/8 को अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, वो आप तोड़ सकते हैं खुद ही, 5/8, 2/8 या none of these, ठीक है ये चार ऑप्शन मैंने आपको यहां पे दिए हैं, दोस्तों इसे करेंगे कैसे, अभी मैंने आपको बताया था इसके फैक्टर कर लो दो के डिफरेंस में, क्या है ये फैक्टर 6 और 8, 6 × 48 दो माइनस दो का डिफरेंस आ गया, इसका आंसर क्या है माइनस में टर्म चल रही है तो क्या हो गया x बराबर आ गया हमारा 6, अब y निकाल लो सेम वही फैक्टर है 6 और 8 दो की डिफरेंस में, तो 6 और 8 प्लस की डिजिट चल रही है तो बड़ी वाली वैल्यू हमारा आंसर आ गई, यहां से छोटी यहां से बड़ी, y कितना आ गया 8, अब हमसे पूछा गया है x अपॉन y, x को ऊपर कर लो y को नीचे कर लो यही हमारा आंसर है 6/8, इसे और कम तक आगे हम तोड़ सकते हैं 3/4 भी यहाँ पे ऑप्शन में हो सकता है, तो हम इसे उतना ही कम कर लेंगे 3/4 भी हो जाएगा, 2 से काटा 3 को 2 3 6 2 4 8, तो इस तरह से भी हमसे एसएससी में क्वेश्चन ये पूछ सकता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं, दिखाइए अपना क्वेश्चन दिखाइए सर, इस बार यहाँ पर डिजिट चेंज हो गई है, क्वेश्चन नंबर 6, मजेदार वीडियो है दोस्तों पूरी देखना और पसंद आएगी लाइक जरूर करना दोस्तों में शेयर जरूर करना, इस बार हमारा क्वेश्चन है तो 35 + 2
अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया भी था, अभी वीडियो में आपको मैंने कराया है, लेकिन इस बार इसका थोड़ा लेवल चेंज कर देता हूं कि एग्जाम में किस तरह पूछा जाएगा। 35 प्लस 2, तो ये टर्म हमारी इनफाइनाइट चल रही है, ठीक है, ये हो गया हमारा x, और y क्या हो जाएगा, y भी दिया हुआ है हमारे यहां पे, y दिया हुआ है, ये फर्स्ट वाली वीडियो का क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट वाली वीडियो वाली टर्म आ गई, ये तो मैंने आज ही पढ़ाया आपको, ये फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था, याद होगा, और अभी भी मैंने आपको ये कराने से पहले ये क्वेश्चन भी कराया था अगर आपको याद हो, तो दोनों टर्म चल रही है हमारे पास। ऑप्शन में दे देता हूं, छह बटे चार मतलब 3/2, 7/4 और 1/2, चार ऑप्शन है आपके पास, इसमें से बताइए मुझे जल्दी से कौन सा आंसर होने वाला है आपका। दोस्तों करना क्या है, यहां पे x अपॉन y हमसे पूछा गया है, तो x का वैल्यू कैसे, x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 35 पे फैक्टर करेंगे दो के डिफरेंस में, 7 × 5, 7×5 = 35 और 2 का डिफरेंस, पास हो गए, बिल्कुल पास हो गई हमारी कंडीशन, आंसर क्या आएगा, प्लस में चल रही है तो बड़ी वैल्यू, मतलब x बराबर हमारा 7 आ गया। अब y भी निकालना है, y को यहां पर रखेंगे, अब y कैसे निकलेगा, y को देख लो, प्लस की टर्म चल रही है लेकिन डिफरेंस एक का है, इस बार ये याद रखना यहां पर डिफरेंस कितना है, एक का रखना, क्योंकि एक मल्टीपल में है, तो 12 के कैसे करेंगे, 4 और 3 4 3 12, प्लस में चल रही है तो बड़ी वाली वैल्यू आंसर, 7/4, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं, और सारे क्वेश्चन मुझे लगता है आपको समझ में भी आ रहा है, कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और उठाता हूं, उसके बाद वीडियो को खत्म करेंगे, और कल फिर एक नई वीडियो लेके आऊंगा सिंप्लीफिकेशन की, इस बार स्क्वायर रूट से अलग लेके आऊंगा, टाइप चेंज करूंगा क्वेश्चन का, कनेक्ट रहिएगा कल भी सेम टाइम